नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चीन भारत को आंखें दिखा रहा था, पूरी ताकत भी दिखाई, टैंक तक लाकर सीमा पर खड़े कर दिए गए। सोचा भारत डर जाएगा, पीछे हट जाएगा, लेकिन भारत ने मोदी सरकार के नेतृत्व में चीन की कमर ही तोड़ दी। ऐसी जगह प्रहार किया जहां आहत तो कम निकले लेकिन दर्द बड़ा हुआ। ऐसा दर्द कि चीन अब कोई दूसरा फैसला लेने से पहले 3 बार सोचेगा। जी हाँ, करीब 10 महीने बाद चीन की सेना को पूर्वी लद्दाख से वापस लौटना पड़ा है, लेकिन इसके चक्कर में चाइनीज अर्थव्यवस्था को भारत ने तगड़ा झटका दे दिया है। मोबाइल ऐप की दुनिया में उसकी बादशाहत भारत ने छीन ली है। सीमा पर इतने दिनों के तनाव का असर है कि वहां स्थानीय डेवलपर्स को अवसर मिला और उनकी वजह से भारतीय मोबाइल ऐप्स को फलने फूलने का मौका मिला, जिसने ओवरऑल मार्केट में चाइनीज कंपनियों को जबरदस्त चपत लगा दिया है। इसका नतीजा ये हुआ कि ऐप के बाजार में चाइनीज ऐप के हिस्से में भारी गिरावट आ गई है। एक एनालिटिक्स फार्म एप्सप्लायर की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में इंस्टॉल हुए चाइनीज ऐप्स का हिस्सा 38% था, जो कि पिछले साल में गिरकर मात्र 29% रह गया है। इस मौके का भारतीय ऐप्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिला और पिछले साल उसने अपना हिस्सा 39% तक बढ़ाकर बाजार पर दबदबा बना लिया है। चाइनीज ऐप के इंस्टॉलेशन में जो कमी आई है, उसे स्थान पर इजराइल, अमेरिका, रूस और जर्मनी के ऐप्स ने भी कब्जा जमाया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, ये देश भारत में तेजी से बढ़ते ऐप मार्केट के लिए और भी बेहतर मौके उपलब्ध करवाने वाले हैं। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी को उनके मंसूबे में नाकाम होकर पूर्वी लद्दाख से उल्टे पांव वापस लौटने को मजबूर होना पड़ा है। आपको बता दें, एक स्टडी से पता चला है कि अर्धशहरी इलाकों में मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अभी जो मोबाइल पर ऐप्स इंस्टॉल हो रहे हैं, उनमें से 85% Tier 2 और Tier 3 शहरों से हो रहे हैं। छोटे शहरों में, कस्बों में गेम, फाइनेंस और एंटरटेनमेंट कैटेगरी के ऐप्स यूजर्स के दिमाग पर हावी है। इसमें कहा गया है कि लोग घरों में पहले से ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, इसलिए वह ऐप पर निर्भर भी होने लगे हैं। तो लोग हाथ व बहुत तेजी से गैर जरूरी ऐप्स ऑनलाइन इंस्टॉलेशन भी कर रहे हैं। यानी संकेत साफ है कि ऐप्स की दुनिया में गला काट प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और इसलिए बहुत ही बड़ा बाजार बन गया है, जिसमें भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरता दिख रहा है। अब इस खबर से चीन जरूर पगलाया हुआ है कि वो करे तो क्या करे। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।